हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुड़िया आप लोगों के लिए आज काले चने लपेटादार मसाले वाले बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ले लिए थे काले चने, जिनको रात में मैंने भिगो के रख दिया था और सवेरे धो के दो सीटी लगा के अच्छे से मैंने काले चनों को बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं ज़्यादा गले नहीं है, दो सीटी ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं हमें लगाना है। अब हम कर लेते हैं इसके लपेटादार मसाले की तैयारी। तो मैंने ले लिया है जीरा वन पाउडर, ये कहीं भी किराने की शॉप पर मिल जाएगा जीरा वन नाम से। और ये है नॉर्मल हमारा गरम मसाला, वो मैंने आधी चम्मच ले लिया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आमचूर पाउडर। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से चने मैं बना रही हूँ लपेटादार काले चने, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, आप इसका स्वाद भूल ही नहीं पाएंगे। और ये है सूखा धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें, क्योंकि जब हम मसालों को अच्छे से कोट करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और मैंने डाल दी है हल्दी और लाल मिर्ची। अब उसके बाद मैं डाल दूंगी नमक। तो जो जो मसाले मैं ले रही हूँ आप ध्यान से देखते रहिए। आप जब अपने जो पुराने तरीका जो खाते थे चने का, बिल्कुल भूल जाएंगे। और ये है कसूरी मेथी, वो मैंने ले ली है। तो बस इन सारे मसालों को ध्यान से देखते जाना है और आप लेते जाएं। और एक बढ़िया सा गाढ़ा सा हमको पेस्ट बना लेना है पानी डाल के। तो यकीन मानिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आप चने खाते थे वो खाना भूल जाएंगे और यही चने बना के आप खाएंगे। तो मैं इनको बना रही हूँ घी में, क्योंकि मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इनको मस्टर्ड ऑयल में या अदर ऑयल जो आप खाते हैं उसमें बना सकते हैं, लेकिन आप घी में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है सौंफ और जीरा। उसके बाद मेरा सीक्रेट, ये तेज पत्ता तो है ही, इसके अलावा एक मेरा टॉप सीक्रेट है जिससे चने का स्वाद चार गुना बढ़ जाएगा। ये है मेरा टॉप सीक्रेट अदरक, जिसको मैं घी में ग्रेट करके डाल रही हूँ। इससे हमारे चने का इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि आप अपने चनों के साथ साथ अपनी उंगलियाँ भी चाटते रह जाएंगे, बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आने वाला है। तो इसको भी घी में अच्छे से अदरक को भूनने देते हैं, फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा। अदरक को जलाना नहीं है, आप देख सकते हैं तेज पत्ता अदरक और सौंफ जीरा का एक अच्छी सी खुशबू जब आने लगे। तो उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मसाले को भी जब तक आप भूनना, जब तक इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसके ऊपर घी ना तैरने लगे। तो आप देख सकते हैं, और आप चाहें तो हरी मिर्ची अदरक के साथ डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे बिना लहसुन प्याज के हमारे काले चने मसाले में लपेटादार बनके हो गए हैं रेडी। तो आप देखिए, और जो मसाले हम बनाते हैं उनकी खासियत ये है कि सारे मसाले चने के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। और इनको 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर ढक के रख दें तो सारे चनों में मसाले का फ्लेवर चला जाएगा और आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितने यम्मी और डिलीशियस हमारे चने बने हैं बिना लहसुन प्याज के। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। इस पे डाल दिया है मैंने हरा धनिया। तो देखिए हमारे लपेटादार मसालेदार काले चने 5 मिनट में बनके हो गए हैं रेडी। तो देख देख के किसके मुंह में आ रहा है पानी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ किसी यूनिक सी रेसिपी के साथ। बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।